जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। और आज है ट्यूसडे, तो आज जाना है हमने इस्लामाबाद, पासपोर्ट अप्लाई करना है मैंने अपना। अभी तकरीबन 12 का टाइम हो रहा है, 12:15 हो रहे हैं, तो 2 बजे तक ऑफिस खुला रहेगा पासपोर्ट ऑफिस वाला। तो 15 से 20 मिनट तक अभी हम घर से निकलने लगे हैं, तो देखते हैं हम ऑफिस टाइमिंग में वहाँ पे पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते, और आज हमारा काम होता है या नहीं होता। अगर आपने मेरी वीडियो अभी से लाइक नहीं की तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ये ऑफ नहीं था। गाड़ी की हमेशा इस तरह से स्पीड ज़रा ज़्यादा होती है, सुबह सुबह RPM ऊपर होता है जब गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि गाड़ी का इंजन ठंडा होता है। A few moments later. जी तो फाइनली व्यूवर्स, अभी हम घर से रवाना हो चुके हैं और सीधा जा रहे हैं इस्लामाबाद G8, क्योंकि हमने पूछा है कि जो पासपोर्ट ऑफिस है वो किधर है, तो हमें बताया कि G8 में है और G10 में है। तो अभी हम सीधा जा रहे हैं G8। तो आप सब लोग हमारे साथ रहिए और इस खूबसूरत से सफ़र को एंजॉय कीजिए। One hour later. जी तो फाइनली हम आज इस्लामाबाद पहुँचे हैं और थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं, अंदाज़ा हो रहा था क्योंकि घर से निकलते नहीं थे। हमजा भाई पीछे बैठे हैं छुप के। हमजा भाई जी, देखें आपकी वजह से जिधर जाते हैं लेट पहुँचते हैं, फिर भी आप हर दफ़ा लेट करते हो, हमें जल्दी तैयार नहीं होते आप। ठीक है भैया, खामोश स्पीशी बन के पीछे बैठे हुए हैं, कोई आवाज़ नहीं है, कोई आहट नहीं है, कोई साउंड नहीं है, मीटिंग मोड पे भैया इस टाइम लगे हुए हैं। हमजा भाई आप कुछ बोल सकते हैं? नहीं। तो बैंक से चालान मिलेगा, वो हमने फॉर्म फिल करना है और फिर वो उसकी फीस है, तो वो जमा करवा के हम फिर कल आएंगे यहाँ पे। तो वो जो बैंक वाला फॉर्म होगा जो हम फिल करके सबमिट करेंगे बैंक में, तो वो यहाँ पर आके देंगे और फिर अप्लाई कर देंगे पासपोर्ट के लिए। तो जो अर्जेंट है वो उन्होंने कहा है कि हफ्ते में हो जाता है, तो उसकी फ़ीस है 5,000, और जो अर्जेंट नहीं है वो उसकी है फ़ीस तकरीबन 3,000, उसमें 2 हफ्ते लगते हैं। मेरे नज़दीक तो कोई इतना फ़र्क नहीं है, तो अर्जेंट बनवाने की ज़रूरत नहीं है, 3,000 वाला ही बनवाएंगे। और अभी जाने लगे हैं नादरा ऑफिस। हमजा भाई के जो है आईडी कार्ड उसका इशू है एड्रेस का, तो वो चेंज करवाना है। उस वजह से पासपोर्ट का भी उन्होंने कहा है कि यहाँ इस्लामाबाद से नहीं बन पा रहा, तो उसके लिए जा रहे हैं, पूरा दिन वेस्ट होगा। हमजा भाई आप कुछ बोल भी सकते हैं पता है? बस आज हमजा भाई बगैर साउंड के हमारे साथ आए हैं। अच्छा, विदाउट साउंड। तो व्यूवर्स हम फाइनली पहुंच चुके हैं ब्लू एरिया इस्लामाबाद। हमजा भाई का यहाँ पे नादरा में जाना था और जो आईडी कार्ड है उसको रिन्यू करवाना है, क्योंकि
पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो जो पुराना उनका आईडी कार्ड बना हुआ है तो वो इस्लामाबाद का नहीं है। इस वजह से उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद का बनवाएं, आप रिन्यू करवा लें। अभी आए हैं रिन्यू करवाने के लिए ब्लू एरिया में, तो यहाँ पे चली है मेरे पास। व्यूवर्स, अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, मैं तो करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े का। बहुत टेस्टी है। ब्लू एरिया के कमर्शियल पार्किंग में हम हैं इस वक्त, और सामने बोर्ड पर कबूतर बैठे हुए हैं, दो कबूतर बैठे हैं। अभी ये थोड़ी देर पहले हवा में उड़े थे और वहाँ जाके अभी बैठ गए हैं, और गहमा गहमी लगी हुई है। अच्छा, नए से नए प्लाजे बनते जा रहे हैं ब्लू एरिया में। यहाँ पे मैंने नोट किया कि पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है ब्लू एरिया में, क्योंकि मैंने भी प्रॉपर पार्क नहीं की हुई। मैंने बस थोड़ी सी छांव देखकर पार्क कर दी है एक साइड पर, तो पार्किंग यहाँ नहीं मिलती इस टाइम। तो यहाँ पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है ब्लू एरिया में। बाकी मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है, हवा चल रही है, और मैंने तो गाड़ी की शीशे नीचे किए हैं और मैं इंजॉय कर रहा हूँ बाहर की हवा। मैं अभी फ्री हूँ, कोई काम करने को है नहीं। एक काम मैं कर सकता हूँ अभी बैठ के यहाँ गाड़ी में, वो है एडिटिंग, और जो कि मैंने करनी भी है आज की दिन की। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं अपनी एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो अभी हम आ गए हैं मिलोडी। यहाँ पे हमारी काफ़ी पुरानी यादें हैं, क्योंकि बैरिया में हमें तकरीबन हो गए हैं 10 साल रहते हुए, और बैरिया से पहले हम इसी एरिया में आए थे इस्लामाबाद। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि हम यहाँ पे पहले रह चुके हैं, हम तकरीबन यहाँ पे 1 साल रहे हैं G6 में। तो फिर इसके बाद हम बैरिया शिफ्ट हो गए थे, तो हमें 10 साल हो चुके हैं तकरीबन बैरिया के अंदर। तो आज अबू का यहाँ पे काम था, एक तो यहाँ पे एक टेलर है, तो यहाँ पर अबू आते होते हैं अपनी कपड़ों की स्टिचिंग के लिए आते होते हैं। तो आज अबू ने आके कपड़े देने थे, तो हमने भी कहा है चलो हम भी साथ आ जाते हैं। तो अभी हम सब भाई अंदर गए हैं होटल में, और वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी खाने पीने की, तो वो ले रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूवर्स, अगर आप आते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप भी इंजॉय करें। हम तो खाने लगे हैं गोलगप्पे। ये है गोलगप्पा। अच्छा, बहुत मज़े का गोलगप्पा है, और सही उन्होंने गोलगप्पे बनाए। हमने लिए खट्टे गोलगप्पे, उनके पास मीठे भी थे, लेकिन वाकई में बहुत मज़े के हैं। रेट ज़्यादा तो है, लेकिन हैं बहुत टेस्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हमजा भाई का अपना स्टाइल है, हमजा भाई स्टाइल। कुछ महसूस हो रहा है। मिर्चों से ज़्यादा खट्टा ज़्यादा है ना, लेकिन है टेस्टी, है टेस्टी, टेस्टी बनाया, सही अच्छा टेस्टी है। Dear viewers, if you wanna taste this chaat, most welcome. So tasty, delicious, creamy, fluffy. Acha. Mazedar, tasty. बहुत मज़े का। तो फाइनली अभी हम फारिग हुए हैं। अभी मैंने और हमजा भाई ने, हम दोनों ने दिए हैं कपड़े स्टिच करवाने के लिए, और मेरे पीछे शॉप है मिलोडी टेलर्स, तो यहाँ से आते हैं हम स्टिच करवाने के लिए स्पेशल कपड़े। तो अभी देर हो रही है क्योंकि हमने जाना है अभी सदर, तो चलते हैं। हाउ यू आर फीलिंग ओल्ड प्लेस? मुझे याद है मैंने यहाँ पे FSC के पेपर्स हैं, मैंने यहीं पे दिए थे। अच्छा, तो अपनी कॉलेज लाइफ मैंने यहीं पे गुजारती थी मार्केट में,
जी 6 सेक्टर में इस्लामाबाद। हम तकरीबन एक साल यहाँ पे रहे थे ना, एक साल हम ये रहे थे यहाँ पर, और फिर हम बैरियर शिफ्ट हो गए थे। जी जी, तो हम छोटे थे, अब हम बड़े हो गए हैं। जी जी, लेके हैं बड़े नहीं, बिल्कुल बड़े हो गए हैं। काफ़ी कुछ बदल गया है, काफ़ी बदल गया है। तकरीबन 10-11 साल हो गए हैं इस बात को भी। ऐसा ही है, वक्त बहुत कुछ तब्दील कर देता है। अच्छा, तो आज हम दोबारा आए थे स्टिच करवाने के लिए, ऑर्डर देने के लिए कपड़ों का, जमीन से स्टिच करवाते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। अब हम चलेंगे रावलपिंडी की जाने। यस जी, तो व्यूवर्स हम अभी जाने लगे थे सदर, लेकिन उससे पहले मगरिब का टाइम हो चुका है, तो नमाज पढ़ने चले गए अबू। तो हम खा रहे हैं यहाँ पे गरमा, तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप भी आ सकते हैं। हमजा भाई ने स्टार्ट कर दिया है। भैया बताएं कैसा टेस्ट है? मीठा गर्म है माशाल्लाह, ठंडा भी है, ठंडा भी है, मीठा भी है, वो काला नमक भी है, बहुत मज़े का है। हेल्दी हेल्दी है। जी जी, टेस्टी टेस्टी है। जी जी, तो इससे सबक ये मिलता है कि पहले आप चना चाट और गोलगप्पे खाओ, उसके बाद हेल्थ बेहतर करने के लिए फ्रूट खाओ, हेल्दी चीज़ खाओ। जी हम सब भाई, मुझे एक चीज़ याद आ गई है। जी बोलो, जल्दी बोलो। बहुत अच्छी खाना है ये। हर खोती जैसी चीज़ दिखने वाली खोती नहीं होती, और हर भूख का इलाज रोटी नहीं होती। अच्छा अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यम्मी एंड डिलीशियस, और मीठा भी है और बहुत ठंडा भी है, माशाल्लाह से बहुत मज़े का। हमजा भाई यूट्यूब पे मेरा ब्लॉग सर्च करते हुए, किसने कहा आपको सर्च कर रहा हूँ? आपको बताया मैंने, आपको मैंने सर्च कर रहा हूँ, ये देखिए यूट्यूब चैनल, ये तो मैं कोई आप और है। खुद देख सकते हैं क्या सर्च हो रहा है, एम अली ब्लॉग्स, देखें सब्सक्राइब हो पहले से। आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? अभी हम जा रहे हैं सीधा सदर की तरफ। हमजा भाई ड्राइव कर रहे हैं, लेट तो हो गए हैं, लेकिन जो सदर की मार्केट है वो देर तक खुली रहती है, इसलिए हम जा रहे हैं, और उम्मीद है कि 15 से 20 मिनट तक सदर पहुंच जाएंगे अगर ज़्यादा रश ना हुआ तो। अभी हम ओल्ड एयरपोर्ट वाली साइड से गुजर रहे हैं, जो कि अब आर्मी ने अपना होल्ड ले लिया इसको, तो ये अब एरिया सारा आर्मी के हवाले हो चुका हुआ है। पहले यहाँ पे ओल्ड एयरपोर्ट हुआ करता था, बेनज़ीर एयरपोर्ट। फाइनली अभी हम सदर पहुंचे हैं, और सामने से पिछले दिनों मैंने ब्लॉग बनाया था, तो यहाँ पे शॉपिंग की थी घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, तो कुछ कपड़े लिए थे, तो एक सूट उसमें से जो था साइज़ वो ठीक नहीं था, वो चेंज करवाना था, तो फादर गए हैं अंदर सामने प्लाजे में, वहाँ साइज़ जो है वो हमें ज़्यादा बड़ा चाहिए, वो लेने गए। तो दिन को मैंने अभी तक आधा ही ब्लॉग एडिट किया है, तो अभी मेरा आधा ब्लॉग रहता है, वो भी मैंने एडिट करना है, और रात भी हो चुकी हुई है, तकरीबन रात के 8:30 हो चुके हैं, 8:30-9 का टाइम है, अभी तकरीबन 15-20 मिनट है, मैं कोशिश करता हूँ कि अपना ब्लॉग एडिट कर लूँ। 1 hour later, 2 hours later.
3 hours later. वो अभी जा रहे हैं जिम की तरफ. अंधेरा अंधेरा, डार्कनेस ऑन रोड. अजीब सा अंधेरा छाया हुआ है रोड्स पर. जी बिल्कुल, स्पेशली हमजा भाई के लिए है. जी जी, ताकि हमजा भाई ध्यान से चलें, कुछ कांटे वगैरह जो हैं वो उनसे बच के चलें. अच्छा जी बिल्कुल. जब भी मैं कैमरा ऑन करूँ मेरे बाल खराब होते हैं, बिल्कुल लगता है बेबी कट किया हुआ है. आपस की बातें किया हुआ तो है. थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर बेहतर हो जाते हैं मेरे हेयर स्टाइल. फिर अर्थोगोनल कट लगती है आपकी? नहीं, अर्थोगोनल वाले रखना बहुत मुश्किल है, वो बहुत बड़े बाल हैं. अच्छा, मैंने सोचा था पहले. अच्छा, अर्थोगोनल बनने के बारे में, उस जैसे बाल रखने के, लेकिन मुश्किल काम है. ठीक, उसके लिए आपको तुर्की जाना पड़ेगा, क्योंकि वेदर तुर्की का जो है ना वो अच्छा होता है. ज़रा ठंडा ठंडा कोल्ड होता है. सिर्फ तुर्की टर्की नहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे मंगोलों के साथ भी रहना पड़ेगा. नहीं नहीं नहीं, 5 सीज़न करने पड़ेंगे. नहीं नहीं, तकरीबन मुझे 500-600 साल पीछे जाना पड़ेगा. अरे कहना क्या चाहते हो? क्यों यहाँ डोरेमोन की? आप कहते ना उस जैसे वेदर, खाली टर्की नहीं चाहिए उस वेदर के लिए, वो टाइम भी चाहिए. क्यों वजह? तब वो बाल उस तरह से बनेंगे ना. अच्छा अच्छा जी जी. But I know it's not true. I wanna put up all my walls 'cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it. All the searching, pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose. I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Ali bhai, kya le liya aapne? Hamza bhai, abhi liye hain humne London Baker se ande. Ji ji, aap na samjhiyega ki, aap na samjhiyega ki humne koi mithai le li hai. ठीक है, हमजा भाई की एनर्जी डाउन है इसलिए लिए हैं, हमजा भाई को खिलाने के लिए. जी जी जी. और एग्स खाने चाहिए. अच्छा, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे. चलो भाई, नहीं तो अब चलते हैं ताकि एनर्जी, ताकि हम जल्दी घर पहुंच गेन कर सकें अंडे खाकर. यहीं से रोड क्रॉस करते हैं. जी जी, गाड़ियाँ नहीं हैं. बिल्कुल, हमजा भाई को मैं चलाते हुए. नहीं नहीं, एहतियात करो, अंडे हाथ में हैं. जब अंडे हाथ में हों तो बहुत सामने एहतियात से चलना चाहिए. जब आप व्लॉगिंग कर रहे हैं मोबाइल के साथ, तब भी बड़ी एहतियात करनी चाहिए आपको. आप स्पीड लगाइए और फुटपाथ पर चढ़ जाइए. चढ़ गए. ये चीज सुनाओ भाई, आजकल कैसी चल रही है जिंदगी आप? जिंदगी गुलजार है. अच्छा, क्या जिंदगी गुलजार है? गुलजार मतलब नहीं है ये, गुलजार ने आपका ठोकर लगी है. ये गुलजार ने आपके पाँव के आगे पाँव रखे. जी जी, गुलजार ने आपने उसका नाम क्यों लिया? गुलजार, गुलजार रुकावट बनना है मेरी जिंदगी में. क्यों, आपने क्या किया है गुलजार के साथ? गुलजार मतलब, गुलजार का मतलब होता है फूल. अच्छा जी, जिंदगी फूल है लेकिन फूल के साथ होते हैं कांटे, तो मतलब कांटों वाली फूल है. मतलब कांटों वाली फूल है, मतलब जिंदगी फूलों वाले कांटे हैं. नहीं, कांटों वाले फूल हैं, मतलब कि जो समझा वही है. हड्डियां करनी है.
जी जी What? मेरा एक हाथ था क्यों जाता है व्लॉगिंग के दौरान, ये ऐसे ही होता है जिम से वापसी पर ऐसे ही होता है। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, हाँ सब्सक्राइब तो करो आप लोग। जी जी लाइक करते नहीं हो फिर कहाँ से इनकम आएगी, शेयर भी नहीं करते आप। बिल्कुल बड़ी गलत बात, बहुत गलत बात है बच्चों। नहीं मैंने कैमरा दोबारा से ऑन कर दिया, अली मुझे हिट कर रहा था। जी मेरे पास एक तलवार है उसे मैं हिट कर रहा था भाई। A few moments later. जी तो रात का अभी खाना खाया थोड़ी देर पहले ही और अभी मैं सोने की तैयारी करने लगा था, तो जो नींद है वो शदीद किस्म की आई हुई है इस टाइम। और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे दवाई लेने का ये फ़ायदा हुआ है कि जो मुझे ज़ुकाम स्टार्ट हो रहा था और गला ख़राब और बुखार वो ठीक हो गया बिल्कुल। तो खैर आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा नए और बहुत ही मजेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।